दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो है सीवेज पाइप का जो है चैम्बर बनाया जाएगा। यहाँ पे खुदाई हमारी हो चुकी है, आगे की तरफ वो लाइन जा रही है। वहाँ पर एक पुराना चैम्बर है, अगर आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा, वहाँ पर एक पुराना चैम्बर है, वहाँ पे हम इस लाइन को ले जाएंगे पत्थर के पास। तो इस लाइन को हम डाइवर्ट कर रहे हैं। तो अभी कुछ वायर वगैरह यहाँ पर फंस गई थी, जिससे हमारी जो मशीन है जेसीबी, उसको हमने भेज दिया है। तब मैनुअली इसको देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर वायर है, उसके बाद यहाँ पे मशीन लगाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं रवि, स्वागत करता हूँ अपनी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीवेज पाइपलाइन के बारे में। यहाँ पर एक पुरानी सीवेज पाइपलाइन जो है डाली गई थी, उसकी जो है हम पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। उसकी पाइप जो है दोबारा से हम अलग से डाल रहे हैं, उसकी पाइप को शिफ्ट करेंगे। तो पहले तो हमारी पाइप कहीं और से गई थी, अब उसको हम कहीं और से डाल रहे हैं। तो क्या क्या प्रोसेस रहता है, कितने चैम्बर बना रहे हैं, कौन सी पाइप डालेंगे, कितनी हमारी एक्सकावेशन हुई है, तो हर एक प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आई होप आप वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो इस वक्त मैं बात करूं, मैं हूं आईआईटी कमांड में। तो यहां पे मेरे साथ दो ऊपर की तरफ लेबर वाले लगे हैं, दो नीचे की तरफ हैं लेबर वाले, टोटल चार लेबर वाले हो गए। उसके बाद एक बंदा मिक्सर लाने गया है और एक जेसीबी वाला हो गया। तो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं आपको क्या क्या प्रोसेस रहता है। वीडियो पर बने रहिए। मटेरियल वगैरह सारा आ चुका है, तो आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ किस तरीके से अभी वर्किंग प्रोसेस चला हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का हमारा पिट हो चुका है सीवेज पाइपलाइन का। वहाँ से हमारी पाइप आएगी, तो यहाँ से हम इसको स्लोप वगैरह दे के यहाँ पर चैम्बर बनाएंगे। इसके बाद यहाँ से वॉल को ब्रेक करके एक चैम्बर नीचे बनाने वाले हैं। उसके बाद एक चैम्बर हमारा आगे की तरफ रहेगा, वहाँ पे बंदे लगाए गए हैं चैम्बर बनाने के लिए। वहाँ से हमारी लाइन सीधी नीचे की तरफ चली जाएगी, रिवर की तरफ। बाकी जो हमारा चैम्बर रहने वाला है, उसका जो मटेरियल आ चुका है, इसमें हम बाहर से ब्रिक मेसनरी करेंगे और नीचे पहले सीसी डाल लेंगे। ब्रिक मेसनरी होने के बाद इसमें जो है फिर बाद में ढक्कन वगैरह लगा के प्लास्टर वगैरह करके बढ़िया ये चैम्बर बन जाएगा। तो आप देखते रहिए क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। आईआईटी कमांड का आपको एक छोटा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। ये इस तरफ को आपके हॉस्टल रहेंगे, यहाँ पे मेस है। परली तरफ को आपके कुछ हॉस्टल हैं और कुछ क्लासरूम हैं। तो देखते हैं क्या है। नीचे की तरफ हमारे अभी रिटेनिंग वॉल वगैरह लगेंगी। तो यहाँ पे बारिश के टाइम पे लैंडस्लाइड हो गया था, तो जिसके कारण इस बिल्डिंग का जो है थोड़ा खतरा बना हुआ है, कहीं नीचे ना चली जाए, तो इसीलिए यहाँ पे हम डंगे देंगे। तो देखते हैं क्या बनता है यही। तो इसलिए यहाँ पे फिर रिटेनिंग वॉल दी जाएगी। तो इस पाइपलाइन को शिफ्ट करने के बाद फिर नीचे हमारे रिटेनिंग वॉल का प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा।